नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सभ्य कहानियाँ पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक भूतनी की कहानी, एक भूतनी से एक मनुष्य ने विवाह कैसे किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम से कम 100 साल पुरानी बात है। बहुत से लोग इसे सच मानते हैं और बहुत से लोग इसे कल्पना कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी थी, तो आज हम उस कहानी को आपको सुना रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गाँव था और उस गाँव में एक रामू नाम का चरवाहा रहता था। गांव भर की गायों को चराने के लिए वह लेकर जाता था। दिन भर उन्हें चराने के बाद वापस गांव में शाम को लेकर आता था। यही उसका नित्य का काम था। इस काम के बदले में गांव के प्रत्येक घर से उसे जीने लायक अन्न और वस्त्र मिल जाते थे। हर साल होने वाली फसल का कुछ हिस्सा भी उसे लोग देते थे, जिससे उसके खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। उसके पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। वे अपनी बूढ़ी माँ के साथ छप्पर वाले घर में रहता था। बूढ़ी माँ भी लगातार बीमार रहती थी। उस साल गर्मी के दिनों में उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह भी भगवान को प्यारी हो गई। अब रामू अकेला रह गया। गर्मी के दिन थे, घास फूस लगभग खत्म हो चली थी और चराने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं बची थी। गर्मी बढ़ जाने की वजह से तेज धूप हो जाती थी और दोपहर के समय रामू गायों को पेड़ों की छांव में बैठाकर खुद भी विश्राम करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रात को वो शौच के लिए निकला। दिन भर भटकते रहने के कारण उसे किसी चीज का डर नहीं था। वो बहुत कम डरता था। गांव वाले जिस शमशान की ओर शाम के बाद जाने से भी झिझकते थे, रामू उसकी तरफ बड़ी आसानी से चला जाता था। शमशान में वह रात को भी चला जाता था। शमशान में कभी कभी एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी और यह रोशनी जब दिखाई देती थी तो लेकिन साल में एक आध बार ऐसा होता था कि वह रोशनी दिखाई दे। लेकिन कुछ लोग डर और कुछ लापरवाही की वजह से और कुछ लोग शमशान की तरफ, मतलब नाम ही उन्हें डरावना लगता था, उसकी तरफ नहीं जाते थे और कभी जानने की इच्छा भी नहीं कि यह रोशनी क्या है, क्यों चमकती है। एक बार एक उसने, जो रामू था, अपनी माँ से उस रोशनी के बारे में पूछा। माँ, शमशान घाट में कैसी रोशनी चमकती है? तब उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देकर उस रोशनी की तरफ जाने से मना कर दिया था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उस जमाने में कसम का बड़ा महत्व होता था और कसम, कहते हैं ना कि कसम नहीं टूटनी चाहिए थी और कसम के लिए लोग जान तक दे देते थे लेकिन कसम नहीं तोड़ते थे। अब माँ नहीं रही तो कसम भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उस तरफ बढ़ चला। श्रौच के बहाने उसी तरफ जाता था ताकि वो रोशनी दिख जाए और इस बार उसके बारे में वो जान सके आखिर वो क्या चीज है। उस दिन श्रौच करने के लिए शमशान से आती हुई रोशनी को देखकर उसे लगा कि वहाँ कुछ हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि वहाँ कोई बैठा है और आग जल रही है, तो रामू की उत्सुकता जगी और रामू धीरे धीरे दबे पांव शमशान की ओर चला गया। वहाँ पहुँचकर रामू ने देखा कि एक महिला चूल्हा जलाकर कुछ बना रही है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ, इतनी रात गई यह महिला शमशान में क्या कर रही है। फिर रामू को आभास हुआ कि हो ना हो यह महिला कोई भूतनी तो नहीं है, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, रामू सोचने लगा, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करता था। रामू ने सोचा कि क्यों ना और करीब से जाकर देखा जाए। उसे इंसानों से डर नहीं लगता था, लेकिन भूत प्रेत के नाम से अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है और रामू भी कोई ऐसा नहीं था कि उसे डर नहीं था। वो भी डरता था, इसलिए रामू डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पास जा पहुंचा। वो एक सफेद सुंदर और युवा महिला थी और रामू के वहां पहुंचने के बाद उस महिला ने रामू को देख लिया। महिला ने रामू से पूछा, क्या रोटी खाएगा? खास भूख तो रामू को नहीं थी, फिर भी उसने सहमति में सिर हिला दिया।
वो युवती कोई 20-22 बरस की रही होगी। उसने घाघरा चोली पहना हुआ था और ऊपर से सर पर चुनरी ले रखी थी। रामू उसके साथ ही जमीन पर बैठ गया। उसने रोटी और सब्जी परोसी तो रामू जो खाता गया वैसा खाने के मामले में वो बड़ा शातिर था। जब खाने बैठता था तो 4-5 लोगों का भोजन खा जाता था। अकेले ही इसलिए आमतौर पर लोग उसे घर पर बुलाने से हिचकते थे। माँ के गुजर जाने के बाद तो वो काम चलाओ खाना बनाकर खाना और थोड़ा बहुत रोज ही खाता था, इसलिए स्वादिष्ट भोजन तो उसकी कमजोरी थी। और रामू ने मुंह दबाकर रोटियां खाता गया और जब पेट भर भर गया तो उसने डकार ली और कहने लगा कि वो भोजन बहुत अच्छा है, तो वो औरत भी भोजन करने के लिए बैठ गई। रामू ने उससे बात करनी चाही लेकिन उसने इशारे से रामू को मना कर दिया। उसने भोजन समाप्त किया और हाथ धोने के बाद रामू से पूछा, क्या तू साथ चलेगा? रोज तुझे ऐसे ही खाना खिलाएंगे। भोजन जो रामू की कमजोरी था, क्योंकि एक तो गरीब था, दूसरा जो लोग दे देते थे उसी में अपना गुजारा करता था, और जो भोजन उसने खिलाया था वैसे भी उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा भोजन खाया नहीं था, इसलिए रामू ने तुरंत हामी भर दी। और हामी भरते ही उस औरत ने अपनी चुनरी निकाली और रामू के ऊपर डाल दी। चुनरी ओढ़ते ही रामू बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक महल जैसे कमरे में पाया। उस कमरे में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी और वो एक बहन बहुत ही सुंदर पलंग पर लेटा हुआ था जिसमें बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। उस पर सुनहरे रंग की चादर बिछी थी और उस रेशमी चादर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी राजा का कक्ष हो। रामू के लिए तो ये किसी सपने जैसा था। रामू ये समझ नहीं आ रहा था उसे कि वो कहाँ आ गया। तभी कमरे में वो सुंदर युवती आई और रामू को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम उठ गए, चलो तुम्हें स्नान कराएंगे। रामू पूछने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कह दिया और उसके जो रामू कहने लगे उसके पीछे चुपचाप चल दिया। उसने आवाज लगाई, दो अधेड़ उम्र के आदमी प्रकट हुए और उसे स्नानघर तक ले गए। रामू ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने भी इशारे से मना कर दिया। रामू ने सोचा कि अपने बाप का क्या जाता है, मजा ही तो ले लो, आगे देखते हैं क्या होगा। और सोचकर रामू निश्चिंत हो गया क्योंकि रामू के पास खोने के लिए तो कुछ था भी नहीं। वो सोचने लगा, न मेरे पास कोई परिवार है और न ही मेरी कोई संपत्ति है, ले देकर एक झोपड़ी है जो मैं जब चाहूं फिर से बना सकता हूं। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो जो किसी चीज से घबराता भी नहीं है, और रामू ने शायद उसी स्थिति में था इसलिए बहुत ज्यादा विचलित नहीं था और यह सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। अब उन्होंने एक चांदी के बने टब जैसे गोलाकार बर्तन में रामू को बैठाया और सोने की स्टूल लगा दी जिस पर बैठकर ठंडे खुशबूदार पानी से रामू को नहाया नहलाया गया। गांव के तालाब में नहाने वाले उस चरवाहे के लिए वो किसी स्वर्ग के आनंद से कम नहीं था। रामू जैसे किसी राजा की जैसी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद दोनों ने उसे तौलिया से पूछा और नए वस्त्र पहनने के लिए दिए। यह वस्त्र भी किसी राजा को मात देने वाले वस्त्र थे, रेशमी रंग के, सोने की कढ़ाई वाले, चमचमाते हुए वस्त्र जैसे अभी अभी इनको सिला गया हो। रामू ने जैसे ही पहना तो वो बिल्कुल उसी के साइज के थे, ऐसा लगा जैसे नाप लेकर सिले गए हों। उनको पहनकर जब रामू ने अपने आप को आईने में देखा तो अपनी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। वो काफी देर तक अपने आप को निहारता रहा। सेवकों ने आकर उसके कपड़ों पर इत्र का छिड़काव कर दिया। वो बहुत अजीब सी खुशबू का था। खुशबू में कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग को सुन्न कर दे रहा था। एक आवाज आई तो रामू ने मुड़कर देखा। वो सुंदर युवती किसी राजकुमारी जैसे परिधान में खड़ी थी। रामू मंत्रमुग्ध सा उसकी ओर बढ़ चला। उसने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। वो रामू को एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर ले गई। उस टेबल पर ढेर सारे पकवान और 56 तरह के भोग रखे थे।
जिसमें से कई प्रकार की मिठाइयां और फलों के बारे में तो उसे पता भी नहीं था कि यह क्या किया है। ये देखकर रामू की आत्मा तो ललचा गई और रामू ये सोच रहा था कि चलो सब कुछ उसे खाने को मिलेगा। रामू आगे बढ़ने लगा, तभी उस स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और रामू ने उसे उसकी तरफ देखा तो उस महिला की ओर देखा तो उसने कहा कि यह सब तेरा है, लेकिन तुझे एक शर्त माननी होगी। रामू ने सोचा तो भरपेट खाने के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार था। रामू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उस स्त्री ने कहा, तुम्हें भैरों बाबा को हमारे पास लेकर आना होगा। रामू के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भैरों बाबा से वो अच्छी तरह परिचित था और उम्र में भैरों बाबा और उसमें बड़ा फासला था। फासला होने के बावजूद भी एक प्रकार से वे लोग मित्रों जैसे थे। बचपन से ही भैरों बाबा से एक अलग सा ही लगाव था। पिताजी के मरने के बाद भैरो बाबा उनके दोस्त होने के नाते हमेशा जरूरत पड़ने पर रामू की मदद करते थे और अपने साथ घुमाने भी ले जाते थे। लेकिन रामू की समझ में ये बात नहीं आई, उस युवती को भैरो बाबा से भला क्या काम हो सकता है। इसलिए रामू ने उससे पूछ ही लिया, तुम भैरो बाबा को क्यों मिलना चाहती हो और अगर उसको बुलाना चाहती हो तो तुम ही जाकर बुला सकती हो। वो तो किसी के बुलाने से भी आ जाते हैं, फिर मुझे बुलाने के लिए क्यों बोल रही हो? तब उस स्त्री ने कहा, अगर मैं बुला सकती तो तुमसे नहीं कहती। अब तुम देख लो, अगर इस भोजन का मजा लेना है तो तुमको भैरों बाबा के पास जाना पड़ेगा और एक चरवाहे के बराबर उसमें बुद्धि थी रामू में, इसलिए उसने सोचा कि बाबा को बुलाकर लाना कौन सी बड़ी बात है, बुला लाऊंगा और हो सकता है कि कोई समस्या हो तो इसका हल निकालना चाहती होगी। और रामू ने हामी भर दी कि यह परेशान होगी, कोई समस्या होगी उसे इसकी समस्या का हल हो जाएगा। रामू के हामी भरने के बाद उसने आवाज दी, तब तक दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी वहां पर सेवा के लिए उपस्थित हो चुके थे। रामू के लिए एक बड़ी सी अजीब सी बात थी, क्योंकि वे दोनों अचानक गायब हो जाते और अचानक से प्रकट हो जाते थे। खैर, उस समय सामने रखा हुआ भोजन रामू के लिए ज्यादा मायने रखता था। रामू डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन पर टूट पड़ा और जब तक पेट भर नहीं खाया उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वे दोनों अधेड़ तो उसकी सेवा में लगे रहे। रामू की थाली में जैसे ही पूरी खत्म होती तुरंत आ जाती, जैसे ही हलवा खत्म होता तुरंत आ जाता, जैसे ही सब्जी खत्म होती तुरंत आ जाती, और जब रामू का पेट गले तक भर गया तो उसने संतुष्टि भरी डकार मारी। जब तक रामू के लिए हाथ धोने का पानी आ चुका था, उन लोगों ने रामू के हाथ धुलाए और पहुंचने के लिए तौलिया भी दिया। ये सब किसी स्वर्ग से कम नहीं था रामू के लिए, क्योंकि वो तो एक बहुत ही निर्धन बालक था और उसने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। और जब पेट भर गया तो वो अपने सोचने लगा कि अब अगर सोने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो मन में सोच रहा था कि अगर सोने को मिल जाता तो मजा आ जाता। तभी वो युवती फिर से प्रकट हो गई और उसने रामू से खाने के बारे में पूछा तो रामू ने कहा कि खाना बहुत बढ़िया है, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। फिर रामू ने पूछा, आप कौन हैं? और रामू के पूछने पर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और फिर उसने अपने आप को नियंत्रित किया और फिर बताया कि वह राजनगर की राजकुमारी है, उसे भैरों बाबा से कुछ काम कराना है और वो उसके पास जाना चाहती थी, इसलिए वो जा नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे माध्यम से भैरों बाबा को बुलाना चाहती है। रामू के लिए ये जानकारी काफी थी और रामू ने इस बात के लिए तैयार भी हो गया कि भैरों बाबा को बुला लाऊंगा। फिर वह स्त्री फिर उसे शयन कक्ष तक लेकर गई और उसने उसे शयन कक्ष में छोड़ दिया और चली गई। शानदार बिस्तर सामने था, पेट भरा हुआ था, सो नींद तो आनी ही थी, और रामू छलांग लगाकर बिस्तर पर जाकर सो गया और दूसरे ही मिनट में वो निद्रा की गोद में समा चुका था और पूरा कमरा खर्राटों से गूंज उठा। भरपूर नींद लेने के बाद जब रामू की आंख खुली तो कमरे में संगीत बज रहा था। वो युवती बैठकर वीणा बजा रही थी, वीणा के मधुर स्वर गूंज रहे थे।
रामू को संगीत का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसके संगीत में गजब का जादू था, जिससे सुनते रहने की इच्छा होती थी। रामू ने जागा हुआ देखकर उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तब तक दोनों अधेड़ फिर प्रकट हो चुके थे। एक हाथ में पानी का तसला था और दूसरे के हाथ में तौलिया था। उन्होंने रामू का हाथ धुलवाया और युवती ने फिर से रामू का हाथ पकड़ लिया और राजमहल जैसे उस भवन में पता नहीं कहां कहां से हल्की हल्की सफेद रोशनी छाई हुई थी। वो रामू का हाथ पकड़कर अपने साथ घुमाने ले गई। उसने पूरा का पूरा राजमहल घुमाया। वो एक अद्भुत राजमहल था, जिसकी बनावट और खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती थी। लेकिन रामू सिर्फ एक ही बात उसको अजीब लगी कि पूरे राजमहल में कोई और भी दिखाई नहीं दिया। राजमहल के बाहर एक भव्य बगीचा बना हुआ था। उस बगीचे के किनारे पर एक तालाब बना हुआ था। उस तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था। बगीचे के अंदर ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल खिले थे और उनकी खुशबू से पूरा राजमहल महक रहा था। उन फूलों की आकृति भी अलग थी। उनके आकार लगभग गोभी के फूल जितने बड़े थे। फूलों का रंग भी बेहद शौक था। बगीचे के अंदर से उसे छोटे कमरे पर जाने के लिए एक पतला सा गलियारा बना हुआ था। वो युवती रामू को उस गलियारे से लेकर उस कमरे में आ गई। उस कमरे में एक बेहद सुंदर सा बिछौना बिछा हुआ था। वहां उसने अपने रूप लावण्य का नजारा दिखाया, जिसके बाद रामू किसी भी चीज के लिए इनकार करने के लिए काबिल ही नहीं बचा और पूरी रात गुजर गई। फिर जब उसकी नींद खुली तो उसका उसे स्नान और फिर भोजन और फिर नींद। ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे। दिन गुजारने की जगह शायद रात गुजरी, कहना ज्यादा सही था। इस समय रामू की जिंदगी का सबसे शानदार समय था। उसे होश नहीं रहता था कि वो धरती पर है या स्वर्ग में है। उसका जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा था। अब भैरों बाबा को अगर वे रस्सी से बांधकर लाने की बात करती तो शायद वह ले आता। रामू पूरी तरह से उसके मोह जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह स्नान के बाद वो रामू को अपने साथ लेकर महल के तहखाने में गई। तहखाने के अंदर अंधेरा था और वे दोनों चलते चलते एक छोटे से चकोर कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर एक गोल चक्कर को घुमाया। गोल चक्कर घूमते ही दीवार का एक हिस्सा दाहिनी ओर सरक गया। वहां पर एक दरवाजा बन गया और रामू और वह स्त्री दोनों दरवाजे से आगे बढ़े। सामने गलियारा बना हुआ था। लगभग 200 मीटर चलने के बाद एक गोल चक्कर दिखाई दिया। उसने उसमें जो अंदर की तरफ घुमाया, जिस जगह पर दोनों खड़े थे वो ऊपर की तरफ होने लगा। उसने रामू से कहा कि मैं तुम्हें वापस गांव के पास छोड़ दूंगी। वहीं पर तुमको भैरो बाबा को लेकर आना है। ये ध्यान रखना कि रात के 10 बजे के बाद आना और वहां पहुंचकर 3 बार ताली बजाना। मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। रामू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर अपनी चुनरी उसने उसके सिर पर डाल दी। जब आंख खुली तो नदी के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे वह पड़ा हुआ था और उसके कपड़े भी वहीं पास में पड़े हुए थे, जो कि पुराने कपड़े थे। राजसी वस्त्र तो गायब हो चुके थे। रामू को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से वापस धरती पर आ गया। थोड़ी देर के लिए उसे दुख तो हुआ, फिर याद आया कि भैरो बाबा को लेकर जाना है। रामू धीरे से उठा, नदी में स्नान किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव के लोग मिलते, लेकिन रामू किसी को छूने की कोशिश करता तो उसका स्पर्श ही नहीं उसे होता था। कोई उसकी तरफ देखकर कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको वो दिखाई नहीं दे रहा। रामू के लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। रामू ने एक दो दोस्तों को छूने की कोशिश की, लेकिन उनको आभास ही नहीं हुआ। एक को लात मारी तो उसको पता ही नहीं चला। एक दोस्त को लात मारी जिससे उसकी लात हवा में रह गई। उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ। अब घबराने की बारी रामू की थी, क्योंकि जो रामू के साथ हो रहा था उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब रामू की समझ में बात आ चुकी थी कि वह कोई भूतनी थी और उसने मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ झाला किया है।
इसके चलते रामू गांव वाले उसे नहीं देख पा रहे हैं। और रामू सोचने लगा कि किसी न किसी को तो मैं जरूर दिखाई दूंगा। रामू ने पूरे गांव का चक्कर मार लिया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। यहाँ तक कि स्नान करती हुई महिलाओं के पास जाकर खड़ा होने पर भी उसे किसी ने नहीं देखा। जब चारों तरफ से रामू निराश हो गया, तब उसे याद आया कि मुझे तो भैरव बाबा को उसके पास भेजना भी है और मेरा आखिरी आसरा था। जब इतनी दूर से मुझे भैरव बाबा पास भेजा है तो वो मुझे जरूर देख लेगा। ये सोचकर रामू उसके घर की तरफ चल दिया। बाबा घर पर नहीं था। उसकी पत्नी भी, जो रामू को जानती थी, उसने रामू को देखते ही कहा कि रामू बाबा बाहर गया है, शाम को वापस आएगा। और रामू वापस पलट कर आने लगा। तभी उसे ख्याल आया, अरे मुझे तो कोई देख नहीं पा रहा था, फिर उन्होंने मुझे कैसे देख लिया। भैरव बाबा गांव का झाड़ फूंक करने वाला बाबा था और उसने जो कहीं से तांत्रिक विद्या सीखी हुई थी, गांव में अपनी जवान पत्नी के साथ वह रहता था। भैरव बाबा की उम्र लगभग 60 साल की थी और उसकी पत्नी लगभग 30 साल की। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। जहां बहरी बाबा बिल्कुल आदिवासियों की तरह काला और मजबूत कद काठी का था, वहीं उसकी बीवी एकदम गोरी चिट्टी और बेहद सुंदर थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरकर जमीन पर आ गई हो। जोड़ी एकदम बेमेल थी, मगर पिछले 10 साल से बरकरार थी। जैसा कि आमतौर पर लोगों को लगता है कि बुजुर्ग पुरुष और युवा पत्नी हो तो संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं था। लॉजिक के साथ ही गांव के कई युवकों ने उस महिला पर डोरे डालने की कोशिश भी की कि इसका पति तो काला कलूटा है और यह कितनी रूपसी है, जरूर यह किसी न किसी के बस में हो जाएगी। लेकिन वो भैरव बाबा के प्रति बहुत ईमानदार और समर्पित थी। उसने किसी को भी घास नहीं डाली। गांव वाले आश्चर्य करते थे कि भैरव बाबा में ऐसा क्या है जिसे देखकर इसने उस बुड्ढे से शादी कर ली। यह एक रहस्य था जिस पर से न तो भैरव बाबा ने कभी पर्दा उठाया और न ही उसकी पत्नी ने। जब भी उससे शादी के बारे में या उसकी पत्नी के बारे में कुछ सवाल किया जाता तो वो बात बदल देता था और मुस्कुराकर चुप हो जाता था। भैरव बाबा तंत्र विद्या में पारंगत था। जैसा कि सब जानते हैं कि तंत्र विद्या का सबसे बड़ा क्षेत्र आसाम का कामख्या या कामरूप देश माना जाता है। अधिकांश तांत्रिक उसी इलाके से अपनी साधना सीखते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भैरव बाबा भी वहीं से पूरी तांत्रिक विद्या सीख कर आया था और वह अपनी विद्याओं में बहुत ही माहिर था। और जैसे ही वह गांव में आया, भैरव बाबा मंदिर के पास विभिन्न प्रकार की साधनाएं संपन्न करता आया था और सभी लोग उसको बड़ी इज्जत से देखते थे। उसका गुरु उसी मंदिर का पुजारी था। भैरव बाबा का जो गुरु था वो भी उसी मंदिर का पुजारी था और भैरव बाबा को अजीब अजीब सी शक्तियां प्राप्त थी। बच्चे उसे देख लेते तो उसे घेर कर बैठ जाते थे। भैरव बाबा को भी बच्चे बहुत पसंद थे। वो उनको कहानियां सुनाता था, बच्चों के साथ खेलते और सब मिलकर कई बार गांव से बाहर भी चले जाते थे। और जब वे वापस लौटते थे तो सभी के हाथों में पत्तों के बने हुए दोने होते थे और उसमें जलेबी जैसी कोई मिठाई भी होती थी। ये करतब बाबा हमेशा गांव के बाहर जाने पर ही दिखाता था। उसके कंधे पर एक झोला पड़ा रहता था। बच्चे मिठाई की मांग करते तो वो झोली में से निकालकर सब दे देता। मैंने भी कई बार, जो रामू था वो सोच रहा था कि उसने भी कई बार उन मिठाइयों का आनंद लिया था। जड़ी बूटियों का भी उसे अच्छा ज्ञान था। बच्चों बड़ों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनको नजर लग जाना या भूत पकड़ लेना जैसी समस्या के लिए सभी लोग भैरव बाबा का आश्रय लेते थे। बाबा बच्चों के लिए किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका समाधान चुटकियों में कर देता था। एक प्रकार से वही गांव का डॉक्टर था। वो दिल का बड़ा अच्छा था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन पूरे गांव में बच्चों को अपनी संतान के समान मानता था। गांव के सारे बच्चे उसकी बात जरूर मानते थे। बाबा को घूमने का बड़ा शौक था और कई बार वो एक एक हफ्ते तक घर में नहीं आता था। एक दो बार तो वो महीने भर के लिए भी गायब हो जाता था।
लेकिन लोग उसके बारे में जानते थे इसलिए ज्यादा फिकर नहीं करते थे। उसकी पत्नी भी इस मामले में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होती थी और उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। रामू उसके साथ अक्सर घूमता था और ऐसी कितनी घटनाओं का साक्षी भी था जो अपने आप में अद्भुत और अविश्वसनीय थी। लगभग 16-17 साल की उम्र में एक बार रामू कुल्हाड़ी लेकर चल रहा था और कुल्हाड़ी के साथ गिर पड़ा था। कुल्हाड़ी रामू के दाहिनी जांघ को काटती हुई लगभग 2 इंच के अंदर घुस गई थी। जख्म बहुत गहरा था। उस समय आज के समान दवा और डॉक्टर भी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। रामू उसको उसके पास ले जाया गया और उसने झोपड़ी के पीछे 3 पत्तियों वाले एक पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ी और उन पत्तियों के रस को रामू के घाव पर निचोड़ दिया। रामू को ऐसा लगा जैसे गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। दर्द के मारे रामू छटपटा रहा था। बाबा ने साथ आए लोगों को रामू के हाथ पैर पकड़ने के लिए कहा। रामू तड़प रहा था। 4 लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और जोर जोर से वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन रामू को पकड़ने वालों ने उसे नहीं छोड़ा। भैरव बाबा ने जिन पत्तों को निचोड़कर रस निकाला था उनकी पत्तियों को मसल कर उसकी चोट पर रख दिया और फिर सागौन के पत्ते से लपेट दिया और उसके बाद कपड़े से बांध दिया। आधे घंटे तक उसे जलन होती रही, लेकिन रामू को पकड़कर रखने वालों ने उसे उसी प्रकार पकड़े रखा। बाबा इस बीच अपने मंत्र भी बुदबुदा रहे थे। आधे घंटा होते होते जलन शांत होने लगी। बाबा ने रामू से सख्त कहा था कि किसी भी हालत में गीला नहीं होना चाहिए, अगर गीला हो गया तो पक जाएगा, फिर महीना भर लगेगा ठीक होने में। पकने के डर के मारे रामू उस दिन शौच के लिए भी नहीं गया था। दूसरे दिन सुबह बाबा घर आया। उनके हाथ में काला दंड रहता था। उसको उसके चारों तरफ घुमाया और उसने पत्ती को निकाल दिया। सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई जब रामू के कटे हुए दोनों हिस्से आपस में जुड़ चुके थे। सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही थी, जैसे उस घाव को फेविकोल से चिपका दिया गया हो। हफ्ते भर के अंदर उस दवा के प्रभाव से वो पूरा घाव बराबर हो गया और देखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि रामू की जान कहीं 2 हिस्सों में कटकर अलग हुई थी। यहाँ तक कि उसके बीच की लाइन भी गायब हो चुकी थी और त्वचा सामान्य हो गई थी। ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य केवल बाबा ही कर सकते थे। औषधियों के बारे में उनकी जानकारी भी काफी ज्यादा तारीफ करने लायक थी। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी था भैरव बाबा और उसी भैरव बाबा को उस रामू उस प्रेत के पास लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उस प्रेत ने जो भूतनी थी उसने रामू को उस बाबा को बुलाकर लाने के लिए कहा था। अब रामू को समझ नहीं आया, इसलिए फिर से वो वापस लौटकर भैरव बाबा के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर रामू ने भैरव बाबा की पत्नी से इस विषय में जानना चाहा कि तो उसने इसी के पड़े होने की बात टाल करके उसे टाल दिया और रामू वापस लौट आया। जब रामू भैरव बाबा की झोपड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर इंतजार कर रहा था कि कब भैरव बाबा वापस लौटे और रामू इस विषय पर बात कर सके, शाम के समय 7 बजे भैरव बाबा घर लौटे। जैसे ही घर के पास आया उसने रामू को देखा तो वहीं रुक गया। उसकी पत्नी तब तक झोपड़ी के अंदर जा चुकी थी। रामू को देखकर भैरव बाबा के चेहरे पर विचित्र भाव प्रकट हो गए। उसने रामू को वहीं रुकने का इशारा किया और अपने डंडे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने अपने झोले में से भस्म की एक मुट्ठी निकाली और उस डंडे के ऊपर के हिस्से में रख दी। उस डंडे का ऊपरी हिस्सा सर्पाकार था जिसमें एक खड्डा सा बना हुआ था। उसी खड्डे में बाबा ने भस्म डाली थी। भस्म डालने के बाद बाबा ने एक छोटा चाकू निकाला और अपनी उंगली में एक चीरा लगा दिया। उसमें से जो खून निकला उसे डंडे के सर्पाकार हिस्से पर तिलक करके छोड़ दिया। वो डंडा हवा में उछला और उसने भस्म में से बाबा के झोपड़े के चारों ओर एक घेरा बना दिया। जैसे ही गोल घेरा पूरा हुआ ऐसा लगने लगा जैसे पूरी झोपड़ी को किसी धुएं ने घेर लिया हो। झोपड़ी लगभग गायब सी हो चुकी थी, सिर्फ धुएं का एक गोला दिखाई दे रहा था।
रामू बाबा के साथ काफी समय रहा, पर उन्होंने इस प्रकार के चमत्कार उसे कभी नहीं दिखाए थे, इसलिए रामू भी उनकी शक्तियों को देखकर हैरत में था। तभी उन्होंने आवाज लगाई तो रामू होश में आया। उन्होंने रामू से अपने पीछे आने का इशारा किया और तेजी से जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बीच में एक बड़ा सा खंड था। वो खंड किसी पुराने महल का हिस्सा था जो लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। उसके दालान में एक बड़ी सी गोल पत्थर की शिला रखी थी। उसका आकार कुछ कुछ कछुए के जैसा था। समय के प्रभाव और मौसम की मार ने शायद उसका सिर गायब कर दिया था, इसलिए केवल गोल वाला भाग नजर आता था। रामू ने बचपन में कई बार खेलते खेलते जंगल में आने पर इस खंडर को भी देखा था। बाबा के साथ में वो उसी खंडर में पहुंच गया। बाबा ने उस खंड के बाहर खड़े होकर कुछ अजीब सा मंत्र जाप किया। फिर बाबा ने डंडे को उसी प्रकार से ऊपर की तरफ उछाला और वो खंड भी उस सफेद धुआं में छुपता चला गया। उस समय रात के लगभग 8 बज चुके थे। रात की अंधेरी चादर चारों ओर फैल चुकी थी। बाबा की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वह महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। बाबा ने रामू को पीछे आने का इशारा करके उस गोल पत्थर को एक की ओर बढ़ गया। बाबा ने उस पत्थर को झुकाया और जैसे ही पत्थर को झुकाया, जमीन की फर्शी पत्थर में से एक बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से हटने लगा और एक आदमी के जाने लायक रास्ता बन गया। बाबा उसके अंदर चला गया। बाबा के पीछे पीछे रामू भी अंदर चला गया। अंदर घुसने के बाद दरवाजा बंद हो गया। बाबा ने मसाल को दीवार पर खोंच कर रख दिया और परेशानी वाली मुद्रा में बैठ गया। रामू ने उनसे बात करने की कोशिश की। बाबा बोला, रामू तू कहाँ जाकर फंस गया? बचपन से तुझसे कहता आ रहा था उल्टे सीधे का कर, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब बिना शरीर के घूम रहा है। रामू समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने बाबा से कहा कि मेरे आप मेरी कहानी तो सुन लो। बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने मुझे बताने को कहा तो रामू ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी एक ही सांस में सुना डाली। बाबा की परेशानी पर बल पड़ गए। उसने कहा, तूने संबंध भी बना लिए, अब तो तू उस पर से बच ही नहीं सकता। कैसे बचाऊंगा मैं तुझे? मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़े और कहा कि बाबा आप कुछ तो उपाय निकालो। वैसे तो मैं पूरे दिन की कैद में भी खुश था क्योंकि मुझे तो सब कुछ मिल रहा था, लेकिन गांव लौटने के बाद जब शरीर न होने का आभास हुआ तब से मैं छुटकारा पाने की जुगत लगाने लगा हूँ। इस स्थिति में बाबा के अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। ये बात मेरी समझ में आ चुकी थी, इसलिए रामू बाबा के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा सामने रखी चौकी पर बैठकर बैठ गया और बैठते ही उसने अपना सर जोर जोर से हिलाने लगा, जैसे कि देवता आने पर होता है। ये रामू को देखा हुआ था क्योंकि जो तांत्रिक लोग होते हैं वे ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे यह आभास होता है कि उनके शरीर में देवता आ गया है। थोड़ी देर तक उसका सर जोर जोर से हिलता रहा, उसके बाद वो शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ध्यान की अवस्था में चला गया हो। लगभग 10 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली और आवाज निकाली, रामू तो तब बुरी तरह फंस गया और तेरी वजह से मेरा नुकसान भी होगा। तू मेरे दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता। चलो आज तुझे मैं वो सच्चाई बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। रामू की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन रामू पूरा ध्यान लगाकर उसको सुन रहा था। बाबा बोला, रामू मेरी पत्नी वास्तव में कोई स्त्री नहीं है, वो एक प्रेत है जिसे मैंने पकड़कर रखा हुआ है और उसी को छुड़ाने के लिए वो सुंदरी तेरे माध्यम से मुझे बुलाना चाहती है ताकि तेरे बदले में मैं उसको छोड़ दूं। अब चौंकने की बारी रामू की थी, यानी बाबा की पत्नी भी एक भूतनी थी। वो बिल्कुल सामान्य महिला की तरह रहती थी, सारे कामकाज करती थी और उसे देखकर मुझे या गांव वालों को किसी को भी कभी यह नहीं लगा कि वह एक भूतनी है। आज बाबा ने जब ये सच बताया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
सच जानकर अब रामू समझ गया कि उसने मुझे कैसे देख लिया था और उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट क्यों आई थी। बाबा ने मेरा ध्यान भंग किया और कहा, रामू तू मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे तेरे साथ जाना तो पड़ेगा क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। मैं तुझे जो रहस्य बता रहा हूँ उसके द्वारा दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो प्रेत भी तेरे साथ रहने लग जाए या फिर मेरी वाली प्रेत विमुक्त हो जाए। और अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर तू समझदारी से काम लेगा तो वो प्रेत तेरे साथ जिंदगी भर पत्नी बनकर रहेगी। अगर तू चूक गया तो मुझे भी अपनी प्रेत से हाथ धोना पड़ेगा। बाबा ने उसे घूरते हुए पूछा, बोल क्या तू तैयार है? रामू कहने लगा, बोलने के लिए उसके पास था ही क्या? इसलिए रामू ने सर को हाँ की सहमति में हिलाया। बाबा ने फिर बोलना चालू किया, रामू ये बात तो जान ले कि अगर कोई भी परेशानी तब तक बस में रहती है जब तक उसका कपड़ा तेरे पास रहेगा। मैंने भी अपनी वाली को वश में करने के लिए उसकी चुनरी को संभाल कर रखा हुआ है। इतना बोलकर उसने अपने झोले में से एक चुनरी निकाल कर दिखाई। जब तक यह मेरे पास है तब तक वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे मनुष्य रूप में ही रहना पड़ेगा। जब तक मैं उसे खुद से यह नहीं वापस करूंगा, उसे मनुष्य रूप में ही रहना पड़ेगा और मेरे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। रहस्यमयी बात को सुनकर जहां रामू सकते में था, वहीं दिल के किसी कोने में सुंदरी को पाने की आस भी जग गई थी। बाबा ने कहा कि तेरे साथ अगर अभी मैं चला गया तो तुझे अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए तुझे अभी किसी उपाय से वापस जाना पड़ेगा और कैसे भी करके उसके वस्त्र उठाने पड़ेंगे। मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूँ, गोली तो अपने पास रखना। जैसे ही उसकी चुनरी तेरे हाथ लग जाए, उस गोली को अपने मुंह में डाल लेना। मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा, सावधान रहना, लेकिन इस गोली का पता उसे नहीं चलना चाहिए। और ये तभी संभव है जब तू उसका विश्वास पा लेगा। उसको ऐसी जगह पर छुपाना जहां लगातार पानी गिरता हो। मेरी विद्या उसके लोक में केवल एक पहर तक ही काम करेगी। अगर इस बीच तू उस गोली को नहीं छिपा पाया तो वो जान जाएगी और फिर तेरा अंजाम बड़ा बुरा होगा। यह एक बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत थी, इसलिए इसका कोई विकल्प भी नहीं था। मैं रामू ने जो बुझे से मन से हामी भर दी। भैरों बाबा ने बताया कि वो पूरे दिन मुझे इसलिए बुलाना चाहती है ताकि वह अपनी बहन यानी मेरी पत्नी को आजाद करा सके। रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, अगर किसी प्रेत का वस्त्र हाथ लग जाए तो वो विवश होकर साथ में रहने लगती है और साथ तब तक रहती है जब तक वो वस्त्र रखने वाला व्यक्ति स्वयं उसे वापस न कर दे। बाबा ने रामू को एक गोली दी थी जो कि जादुई थी, लेकिन उसका असर तभी हो सकता था जब वो एक ऐसी जगह रखा जाए जहां लगातार पानी गिर रहा हो। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसका जादू केवल एक पहर तक ही प्रेत के लोक में काम करेगा, उसके बाद वो सब कुछ जान जाएगी। इसलिए तुझे एक पहर में से पहले इस गोली को छुपा देना है। वहां पहुंचते ही रामू वो अपनी देह में प्रवेश करा देगी। जैसे ही वो रामू को देह में प्रवेश प्रदान करेगी, वो तेरे साथ फिर से संबंध बनाने के लिए कहेगी। तब तू जागरूक रहना। अगर होश में रहना और उसका वस्त्र तू हासिल कर पाया तो इस गोली को मुंह में डाल लेना। गोली को मुंह में डालते ही मैं तुझे वापस इस लोक में खींच लूंगा। रामू भारी असमंजस में था, लेकिन रामू के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। रामू अपने शरीर का तो कोई अता पता नहीं था और रामू खामोशी से बाबा की तरफ देख रहा था। इतना समझाने के बाद बाबा ने आगे कहा, रामू तेरी देह से अलग करके तुझे वो सिर्फ 24 घंटे के लिए बाहर रख सकती है। उसके बाद उसे वापस अपने पास तुझे बुलाना पड़ेगा। अगर वो वापस नहीं बुलाएगी तो तेरी देह मुर्दा हो जाएगी और तू उसके किसी काम का नहीं रहेगा। बाबा के इस रहस्य का उजागर होते ही रामू के प्राण मुंह को आ गए। यानी अगर उसने मुझे वापस नहीं लिया तो मैं तो निपट गया। एक हफ्ते के मजे के बदले मौत इतना बहुत बड़ी सजा थी तो। लेकिन सच्चाई रामू के सामने मुंह खोलकर खड़ी थी और रामू उसका सामना करने के लिए मजबूर था।
रामू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वापस जाना ही एकमात्र रास्ता था जिस पर कई संभावना थी। पहला ये कि प्रेत के लोक में ही जिंदा बच जाए, दूसरा ये कि वह प्रेत इन रामू के वश में हो जाए, तीसरा ये कि प्रेत इन रामू को मिले लेकिन रामू भी जिंदा रहे और इस लोक में वापस आ जाए। आखिरी संभावना ये थी कि भेरू बाबा को अपने प्रेत इन मेरे बदले में वापस करनी पड़ जाए। अब सब तरह के विचार करके रामू जाने का निर्णय ले लिया रामू ने। लेकिन जाने से पहले रामू ने बाबा से पूछा कि मैं क्या उसे क्या बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं ले पाया। लेकर आया तो भैरो बाबा ने बताया कि उसे बता देना कि भैरो बाबा गांव नहीं लौटा, इसलिए मैं वापस लौट आया। मैंने अपने घर को बांध दिया है, इसलिए वो मेरी पत्नी से भी मानसिक संबंध नहीं बना पाएगी और उसे कुछ जानकारी नहीं होगी और तेरे आने तक मैं भी इसी तहखाने में रहूंगा। मुझे भी कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी ताकि तुझे वापस खींच सकूं। कोशिश करना कि तो उसके वस्त्र के साथ वापस आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तो शरीर मिलते ही गोली लेकर मुंह में डाल लेना, मैं तुझे वापस खींच लूंगा। कोई ऐसा व्यवहार मत करना जिससे उसको तुझ पर शक हो जाए। जैसे ही तू अंदर पहुंचेगा, जल्दी से जल्दी गोली को पानी वाली जगह छुपा देना। याद रखना, एक पहर के बाद गोली के बारे में वो सब कुछ जान जाएगी। रामू वापस जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी बाबा ने रामू से एक थप्पड़ मारा। झापड़ लगते ही जयराम को ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर झंझना गया हो। जब रामू को होश आया तो वो शमशान घाट के पास पड़ा था। रात लगभग आधी हो चुकी थी क्योंकि चांद आसमान से आधी दूरी पार करने वाला था। वहां पहुंचकर रामू ने तीन ताली बजाई। रामू को ऐसा लगा जैसे कोई चीज उस पर कूदी। उसे झटका सा लगा और रामू वापस उसी राजमहल के बिस्तर के पास पहुंच गया। उसी बिस्तर पर रामू का शरीर पड़ा था और वो प्रेत भी वहां पर उसका इंतजार करती हुई बैठी हुई मिली। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी जैसे वो उसे रामू को कच्चा चबा जाएगी और वो बहुत ही कड़क आवाज में पूछने लगी, बाबा कहाँ है? रामू की तो सिट्टी पिट्टी पहले ही गुम थी। उसका रौद्र रूप देखकर बची खूंची हवा भी निकल चुकी थी। रामू डर से थर थर कांप रहा था। रामू की हालत देखकर शायद उस प्रेत को उस पर दया आ गई थी। उसने रामू से दोबारा पूछा, बाबा कहाँ हैं? मैंने डरते सहमते जवाब दिया कि बाबा तो घर नहीं आया। बाबा की जोरू ने बताया कि वह अभी नहीं आया है। इतना सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ को अजीब से ढंग से हिलाया। ऐसा उसने दो तीन बार किया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने बाबा की जोड़ी जोड़ों से संपर्क करने की कोशिश की, मगर संपर्क नहीं हो पाया होगा। रामू सोचने लगा, बेटा रामू, अब तो तू बेभाव निपट जाएगा। 5-7 मिनट में उसकी भाव भंगिमा शांत हो गई। उसने दोनों हाथ आसमान में उठाए और रामू को बिस्तर पर चढ़ने का संकेत किया। जैसे ही रामू बिस्तर पर चढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कि वह अपने शरीर में समाता जा रहा है और रामू अपने शरीर में वापस लौट आया। रामू की इच्छा हो रही थी कि बिस्तर से नीचे छलांग लगाकर खुशी से कूद कूद कर नाचे, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था और शांत लेट गया। फिर उसने ताली बजाई। दोनों अधेड़ फिर से प्रकट हो गए। उनको आदेश दिया कि इसे नहला कर लाओ, कपड़े मत पहनाना, दोनों मुझे लेकर चल पड़े। स्नानघर में न जाकर वे रामू को एक झरने की ओर ले गए। ये रामू ने पहले नहीं देखा था। इस झरने का पानी बिल्कुल काला था। उन्होंने कपड़े उतारने उतार कर झरने में रामू को पानी के नीचे बैठा दिया। रामू बैठा को बिठाकर दोनों कुछ लेने चले गए। यही मौका था जब रामू कुछ कर सकता था। जहां उसने रामू को बैठाया था, उस पत्थर को उसने टटोला और सौभाग्य से उसके नीचे खड्डा मिल गया। उसके नीचे उस गड्ढे में उस गोली को रख दिया। रामू का काम पूरा हो चुका था, जिससे रामू की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, लेकिन कम का पहाड़ थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। लेकिन डर अब भी लग रहा था। पानी का रंग बिल्कुल काला था, बिल्कुल ऐसा था जैसे कि नाले का होता है।
रामू समझ नहीं पा रहा था इन लोग मुझे साफ करने के लिए आए हैं या गंदा करने के लिए। डर के मारे उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। जो हो रहा था होने दे, सोचकर वो रामू बैठा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमी वापस लौटे। उनके हाथों में गहरे नीले रंग का कोई लेप था और एक धूपदान था। लेप लेकर उन्होंने रामू के अंगों पर लगा दिया और उसके बाद धूप का धुआं उसके शरीर के सभी हिस्सों पर लगाने लगे। जैसे जैसे धुआं लगता, ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में ताकत बढ़ती जा रही थी। लगातार 10 मिनट तक उन्होंने ऐसा किया। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बलवान हो गया है। शरीर के अंगों में से ताकत फूट रही थी। रामू ने इधर उधर देखा और धीरे से उनसे पूछा, यहाँ से निकलने का कोई उपाय है क्या? उसने दबी जबान में कहा, जब तक जवानी है मजे कर लो, उसके बाद हमारे जैसे गुलामी करना। जो यहाँ आ गया वो यहीं आकर मर गया। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये प्रेत किसी के बस में नहीं हो जाएगी, तब तक हम भी इसके ऐसे ही गुलाम रहेंगे। बात बदलने से उसने पूछा कि पिछली बार तुम लोगों ने मुझे साफ पानी से नहलाया था, इस बार काले पानी से क्यों नहला रहे हो? तब उन दोनों व्यक्तियों ने, जो अधेड़ उम्र के थे, रामू को बताया कि जो भी इस लोक से बाहर जाता है उसके वापस आने पर इसी पानी से स्नान कराया जाता है ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए और वह प्रेत को खुश कर सके। वे दोनों मुझे निर्वस्त्र अवस्था में ही लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। थोड़ा समय सावधान था और रास्ते का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करने के बाद वापस इसी जगह लौटना था। इसलिए मैं बीच बीच में रुककर कुछ चीजों को निहारने लगता ताकि वे मेरी याददाश्त में बनी रहें। लगभग 100 कदम चलने के बाद वो बगीचा आ गया जिसमें वो सुंदर सा कमरा बना हुआ था। उन दोनों ने मुझे उस कमरे के पास ले जाकर छोड़ दिया और वापस चले गए। अंदर वो सुंदरी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरकर आई हो। मैं फिर उसकी आंखों के जादू में खोने लगा और उसके बाद उन दोनों की प्रेमलीला शुरू हो गई। अगले दिन जब पूरी रात बीत गई तो रामू बहुत सावधान था क्योंकि रामू को पता था कि उसे यह अवसर अब दोबारा नहीं मिलेगा। रामू अपनी जगह से उठा और उठते ही उसकी आंखें भी खुल गई। उसने अंगड़ाई ली और कमरे के दरवाजे तक गया तो बाहर तालाब के पास पैर डालकर बैठ गया। रामू का ऐसा करते ही शायद वो निश्चिंत हो गई और पलट कर सो गई। कुछ देर बाद रामू फिर उठा और कमरे में आया। उसने फिर आंख खोल कर देखा तो रामू उसकी बगल में लेट गया। वो फिर निश्चिंत होकर सो गई। उसकी चुनरी पलंग के पास नीचे पड़ी हुई थी। रामू ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वह खुद निर्वस्त्र था। उसे छुपाने लायक कोई जगह नहीं थी। तभी रामू को कमरे के बाहर वह अधेड़ व्यक्ति दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में रखी हुई गोली मुझे दिखाई। रामू को दिखाई। अरे, ये तो वही है जो मैंने छुपाई थी। मेरे दिमाग को झटका लगा। रामू सोचने लगा, ये तो वही गोली है। अफसर उसके पास था और मैं। रामू ने झटके से जमीन से चुन उठाई और उस व्यक्ति की ओर दौड़ा। तभी रामू कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि वो सुंदरी की दहाड़ गूंज उठी। ठहर जा, नहीं तो वही भस्म कर डालूंगी। उस अधेड़ व्यक्ति ने भी गोली रामू की तरफ उछाल दी। रामू ने उसे हवा में कैच कर लिया और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। सुंदरी को विश्वास नहीं हुआ कि उसी के आदमी ने उसे धोखा दे दिया। उसकी आंखों से आग की लपट निकली और वह आदमी वही स्वाहा हो गया। लेकिन तब तक गोली काम कर चुकी थी और रामू वहां से गायब हो चुका था। गायब होने के बाद वह सीधा खंडहर में बाबा के सामने प्रकट हुआ। भैरव बाबा जी अपनी पूजा में लीन थे। उसके सामने हवन कुंड धधक रहा था और कुछ अजीब अजीब सी चीजें सामने रखी हुई थी जिनसे वे हवन कर रहे थे। खुशबू फैली हुई थी। उनके सामने 2 आसन बिछे हुए थे, जिस पर एक आसन में भैंस का चमड़ा था तो दूसरे आसन पर गधे का चमड़ा बिछा था।
बाबा ने रामू को भैंस वाले चमड़े पर आसन पर बैठने का इशारा किया। रामू ने उन्हें चुनरी दिखाई और कहा कि अभी वो निवस्त्र है। तो बाबा ने उसे उस चुनरी को अपनी कमर में लपेट कर बैठने का निर्देश दिया और रामू ने उसे लुंगी की तरह लपेट लिया और आसन पर बैठ गया। बाबा का मंत्र जाप चालू था और बीच बीच में वो बाजू में रखी हुई सामग्री आग में डालते जा रहे थे। लगभग एक घंटे तक अपनी कार्यवाही करने के बाद बाबा ने विश्राम दिया और रामू की ओर देखकर मुस्कुराए। रामू, तेरी तो निकल पड़ी, अब तू चुपचाप अपने घर जा या दूसरी धोती पहन ले, लेकिन चुनरी को किसी के हाथ नहीं लगने देना। एक बात और, इसे धोने की गलती भी मत करना। उस मैं उसकी और तेरी गंध देह की गंध से मिट गई तो मुक्त हो जाएगी। इसे छुपा कर रखना, किसी भी कितना भी नाज नखरा तुझे दिखाए, भूल कर भी उसे मत बताना। जिस दिन तूने उसे बता दिया या तूने कपड़ा उसे दे दिया है तो वो वापस अपने लोक चली जाएगी। रामू के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि गांव वालों की नजरों में रामू एक मामूली सा चरवाहा था। लेकिन वो गांव की सबसे सुंदर औरत जो रामू की बीवी बनने वाली थी, सुंदरी की टक्कर की कोई भी औरत गांव में नहीं थी। भैरों बाबा की पत्नी भी सुंदरी की तुलना में 19 ही बैठती थी। सोच सोच कर रामू गर्व से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन रामू की समझ में नहीं आ रहा था वो मेरे पास आएगी कैसे। बाबा ने रामू की मन की बात समझ गया। उन्होंने कहा, रामू तो चिंता मत, घर घर पहुंच, वे अपने आप तेरे को ढूंढती हुई तेरे घर आ जाएगी। बाबा की बात सुनकर रामू को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन अब तक जो हो रहा था वो भी तो यकीन करने के लायक नहीं था। रामू वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। धोती पहनने के बाद उसने चुनरी को कसकर अपनी कलाई पर बांध लिया और अपने घर की ओर जाने के लिए बाबा की ओर देखा। बाबा ने रामू को अपने पास बुलाया। जब रामू उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने जादुई डंडे को रामू की पीठ पर दो बार लगाया और रामू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। डंडा रामू के सामने हवा में चलने लगा। बाबा ने रामू और उसके पीछे रामू को उसके पीछे पीछे जाने का इशारा किया। रामू डंडे के पीछे पीछे हो लिया। डंडा मध्यम गति से हवा में आगे आगे बढ़ रहा था और रामू उसके पीछे पीछे चल रहा था। जिन सीढ़ियों से रामू नीचे उतरा, उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर रामू महल के बाहर आ गया। रामू बाहर निकला तो वो डंडा भी फिर से तहखाने में बाबा भैरवनाथ के पास चला गया। रामू कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लगभग आधी दूरी तय करने पर रामू को उसका अपना मित्र कलुआ इमली के पेड़ पर बैठा हुआ मिला। उसने आवाज लगाई, रामू तू कहाँ चला गया था? इतना सुनते ही रामू के प्राणों में प्राण आ गए कि अब वह सामान्य आदमी बन चुका है और दूसरे लोग उसे देख सकते हैं। कलुआ पेड़ से उतरकर रामू के पास आया और उसने रामू से पहले तो गले लगाया रामू का और फिर पूछा, पिछले 15 दिन से तू कहाँ गायब था? अब रामू उसे क्या बताता? रामू ने कहानी बनाई, दूसरे गांव गया था, वहां समय लग गया इसलिए नहीं आ पाया। अपने गांव वालों को भी उसने यही कहानी सुनाई। इस प्रकार गांव वालों से मिलते जुलते रामू अपने घर पहुंच गया। अब रामू अपनी चारपाई पर फैलकर सोने का मजा, जो अपनी चारपाई पर फैलकर सोने का मजा है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। ऐसे ही रामू भी अपनी चारपाई पर फैलकर सो गया। ये रामू उस दिन पूरी तरह से समझ में उसको नहीं आया। रामू अपनी चारपाई पर फैलकर न जाने कब तक सोता रहा। चुनरी अभी भी उसके हाथ में बंधी हुई थी। खाने की खुशबू ने उसकी नींद में खलल डाला। खाने की खुशबू आई तो रामू की नींद खुल गई। रामू उठकर घर झोपड़ी के अंदर गया तो खुशबू वहीं से आ रही थी। वहां वही भूतनी प्रेत नहीं, सुंदरी एक थाली में रोटी बनाकर रखती जा रही थी। उसने बड़े प्रेम से रामू को भोजन कराया। फिर रात आई, रात की बातें हुई और ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह बाबा और उसकी जोरू ने गांव के सब सबके सामने रामू और उस प्रेत का विवाह करवा दिया।
बाबा की जोरू ने सुंदरी को अपनी चचेरी बहन बताया और कुछ अजीब से गांव का नाम भी बताया। कुल मिलाकर उस समय के हिसाब से गांव वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। रामू और सुंदरी पति पत्नी हो गए। भैरव बाबा ने इन सालों में रामू को अपनी आयुर्वेद तंत्र विद्या सिखा दी, जिसके कारण गांव के लोग अब रामू के पास भी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आने लगे। रामू उनकी मदद करने की कोशिश करता जरूर और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। पति पत्नी के रूप में जो सुख बनता है वो पूरा सुख रामू को भरपूर मिला। रात होने के बाद जब गांव सो जाता तो रामू की कुटिया राजमहल बन जाती और उसके बाद सुंदरी और वे दोनों मजे से अपने पति पत्नी बनकर रहते। इस बीच में कई बार अलग अलग तरीकों से उन्होंने जो इतनी थी उसने रामू से अपनी चुनरी वापस मांगने की कोशिश की। बहुत नाज नखरे भी किए लेकिन रामू ने उसे नहीं दिया। चुनरी ना देने पर वो गुस्सा जरूर होती लेकिन बाद में खुद ही मान जाती थी। धीरे धीरे उसने चुनरी की बात करना छोड़ दिया और बात आई गई हो गई। लगभग 5 साल गुजर चुके थे। सुंदरी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम भोला रखा। दूसरे साल और एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम चंदन रखा। चंदन के 6 महीने के होने पर एक दिन बाबा ने रामू को अपनी कुटिया पर बुलाया। बाबा ने अपनी जोड़ी जोरू को, जो बाबा की पत्नी थी, उसको गांव में कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। एकांत में बाबा ने रामू को बताया कि 1 हफ्ते के बाद वो गांव छोड़कर जाने वाला है। ये सुनकर रामू बहुत दुखी हो गया क्योंकि बाबा के रहने से उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होता था। खैर, 1 हफ्ते के बाद बाबा गांव छोड़कर चला गया। उसने सरपंच को बता दिया था कि उसकी सारी चीजें अब रामू की होगी। सरपंच ने अगले दिन रामू को गांव के सामने बुलाकर यह सारी बातें बता दी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। बाबा के पास जो जमीन थी, गाय बैल की जोड़ी थी, वो भी अब रामू को मिल गई। रामू अब चरवाहे से किसान बन चुका था। सारे गांव की फसल से बढ़िया फसल रामू के खेतों में होती और क्यों होती थी ये तो रहस्य अब आप जान ही चुके हैं। धीरे धीरे रामू भी गांव के इज्जतदार लोगों में गिना जाने लगा। ये सब हुआ सुंदरी के आगमन से। सुंदरी ने न सिर्फ गांव की महिलाओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए थे, वहीं गांव के बुजुर्ग भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। सभी रामू को बहुत भाग्यशाली मानते थे। केवल रामू ही जानता था कि इसका रहस्य क्या है। इसी तरह समय गुजरता रहा। बच्चे अब बड़े हो चुके थे। बड़े होने पर लड़की देखने की प्रक्रिया चालू हो गई। पास के गांव में एक परिवार से 2 बहनों का रिश्ता तय हुआ। शादी में रामू के लड़कों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद दोनों बहुओं को लेकर रामू अपने गांव लौट आए। गांव वापस आने पर घर की महिलाओं का निर्भया संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। सभी ने सुंदरी को नाचने के लिए कहा लेकिन उसकी चुनरी वापस मिलने पर ही नाचने की बात उसने कही। पड़ोस की भाभी ने जाकर रामू से कहा, रामू की चुनरी उसे वापस कर दो, उसके बिना वो नहीं नाचेगी, कह रही है। पहले तो रामू ने आनाकानी की, फिर रामू ने बात टालने की बहुत कोशिश की लेकिन महिला भी वही बात करने लगी। अरे, जब वो अपनी चुनरी के बिना नहीं नाचना चाहती तो उसकी चुनरी दे दे। अब रामू ने भी सोचा कि अब सब कुछ तो हो चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं, भला अभी कहाँ जाएगी। बच्चे भी हो गए हैं, शादी भी हो गई है। बच्चों की यह सोचकर रामू ने चुनरी निकालकर सुंदरी को ले जाकर दे दी। चुनरी मिलते ही सुंदरी बहुत खुश हो गई। उसने कमरे में जाकर श्रृंगार किया और बाहर आकर महिलाओं के साथ मिलकर नाचना प्रारंभ कर दिया। ताल के साथ ताल मिलाकर वह नाचने लगी। बाकी महिलाएं उसके साथ नाचती रहीं। लेकिन सुंदरी की तेजी और उसका नाच दोनों ही ऐसा था कि वो ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाई। लगभग घंटे भर के बाद सभी महिलाएं थक गई लेकिन सुंदरी उसी तरह नाचती रही। नाचते नाचते सुंदरी की गति जो नाचने की बढ़ती चली गई। सबके सामने चक्करघिनी की तरह चक्कर काट काट कर नाचते नाचते
सुंदरी अचानक गायब हो गई। उसके बाद वो किसी को नहीं दिखी। उसके जाने के बाद रामलाल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। साल भर के अंदर जो रामू था वो भी स्वर्गवासी हो गया। इज्जतदार जब किसी लोग की इज्जत बढ़ जाती है तो वे लोग रामू से रामलाल हो गया था, इसलिए अब गांव के लोग उसे रामलाल जी कहने लगे थे। अब रामलाल जी भी एक साल के अंदर स्वर्गवासी हो गए। रामू के दोनों बेटे बहु गांव में ही रह रहे थे और उनकी संतानें और परिवार सामान्य परिवार की तरह ही थे और उनका परिवार भी चलता रहा। उनकी संतानों में कोई विशेष चीज दिखाई नहीं देती थी। ये भी सामान्य मानवों की तरह व्यवहार करते थे और उनके अंदर कोई विशेष जादुई शक्ति भी नहीं थी। हाँ, लेकिन आर्थिक समृद्धि परिवार के साथ बनी हुई थी। गांव के लोग उनको भूतनी का कुनबा कहने लगे, क्योंकि सब लोग कहने लगे वो तो कोई भूतनी थी जो नाचते नाचते गायब हो गई। यह नया नाम रामू के परिवार के साथ जुड़ गया, भूतनी का कुनबा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।